अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मामा दुबई का सबको सलाम। तो जनाब ये आ गई है बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो जो कि एक सेलिब्रेशन है। यहाँ पे यूएई का नेशनल डे है और मेरे बच्चों के स्कूल में जो है ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट किया है, जहाँ पे आप ये इसका देख सकते हैं बहुत ही प्रोजेक्ट्स हैं और मल्टीपल चीज़ें हैं, डेकोर है और एम्बियंस पूरी स्कूल की इन्होंने नेशनल डे के हवाले से बिल्कुल चेंज कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको सारी वीडियो में ईच एंड एवरी डिटेल देती हूँ। तो ये बेसिकली रिसेप्शन है जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक म्यूज़िक बैंड के साथ एक बहुत अच्छी सी वाइब्स ऑफ म्यूज़िक प्ले चल रहा है और ये प्राइमरी सेक्शन में इन लोगों ने जो है वो फ्लैग के जो कलर्स होते हैं उनसे अम्ब्रेलास के थ्रू रूफ इतना खूबसूरत तरीके से डेकोर किया हुआ है और बुक फेयर भी है यहाँ पे और मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स भी थे और पेरेंट्स के लिए सब एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी, जैसे कि जितनी भी स्टेट्स हैं दुबई शारजा उनके स्पेसिफिकली बताने के लिए कि क्या है स्पेशलिटीज़। तो जनाब ये आपने देखा कि किंग गार्डन सेक्शन का फाउंडेशन स्टेज का अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन लोगों ने भी बहुत ही हार्ड वर्क करके टीचर्स ने स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और ये मल्टीपल सेक्शन में प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करके इन्होंने कंप्लीट किए हैं और ये मल्टीपल सेक्शन है, ये बच्चे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट और मल्टीपल जो है वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाई हुई हैं। क्रिएटिविटी छोटे छोटे बच्चों की देख के बहुत ही मज़ा आता है, जैसे कि आप ये वाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि कितना ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट भी थे कि यहाँ बच्चों ने अपने बैज अपनी ड्राइंग कोई भी बनानी थी जिसको यहाँ बैज में वो कन्वर्ट करके दे रहे थे। तो ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं अच्छा लगता है कि आप इस तरह के नेशनल डेज में सेलिब्रेशन में इन को इन्वॉल्व करके और जो पेरेंट्स हैं बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। तो ये सबसे मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये चीज़ लगी कि आप बच्चा जो भी ड्राइंग करेगा उसकी वहीं पे उसको बैज बना के दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही मेमोरेबल रहता है और एज अ सोवेनियर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई नेशनल डे हुआ था 52nd UAE का स्कूल में, तो ये एक बहुत ही मेमोरेबल बच्चे के पास चीज़ रह सकती है। तो ये यहाँ पे बच्चों ने खूब जो है वो एंजॉय कर लिया था और ये वाली एक्टिविटी भी कर ली थी और आगे भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी कंप्लीट वीडियो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो मेरे बेटे ने, तो आपको पता है कि एज़ यूजुअल कार लवर जो होते हैं बॉयज़, तो वही बनाया था बैच पे अपने और उसको फिर अपना बैच जो है वो क्रिएट करवाया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक एक्टिविटी का पार्ट था। तो ये देख सकते हैं कि ये कॉयर परफॉर्मेंस थी, इसमें मेरे बेटे ने हिस्सा लिया था और ये मल्टीपल जो हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंसेस प्राइमरी सेक्शन के बच्चे कर रहे थे, किंग गार्डन के सेक्शन के बच्चे कर रहे थे। ये बहुत ही सुपर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस लगी थी मुझे, मेरी पर्सनल फेवरेट यही वाली परफॉर्मेंस थी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन पेरेंट्स को उन्होंने बुलाते हैं जिनके बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सारे पेरेंट्स को नहीं बुलाते क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे पेरेंट्स हैं तो मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। तो जनाब ये थी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ही पूरा फंक्शन सेलिब्रेट हुआ था नेशनल डे का। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अजमान स्टिक में स्पेसिफिकली जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई थी। और ये पर्सनली मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप इतने आइडियाज़ ले सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिलता है रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक मैथमेटिक्स से लेके साइंस से लेके जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए हुए थे, जो बच्चों ने क्रिएटिविटी उन्होंने की हुई थी, उनकी मेहनत थी इसमें,
तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन था यहाँ पे, ये मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा सोलर सिस्टम डिस्प्ले, पीरियोडिक टेबल है, और ये डाइस है यहाँ पे, और साइंस के प्रोजेक्ट, मैथ्स के प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर आपके भी बच्चों को मिलते हैं आपने आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे हिना भी चल रही थी साथ साथ, और ये एक और परफॉर्मेंस आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट जो हैं वो बुर्ज खलीफा है, और लैंडमार्क जो है फेमस, तो बच्चों ने उसी की तैयारियाँ की हुई थी, बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, ये उन्होंने बैजेस हमें प्रोवाइड किए थे। और ये वही अम्ब्रेला सेक्शन मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, और क्रिएटिविटी जो थी वो बहुत ही पीक पे थी। मैं वही पाता है कि बहुत खुशी होती है कि मैनेजमेंट इतनी हार्ड वर्किंग हो, और इतनी ज़बरदस्त सी क्रिएटिविटीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंटरटेनिंग रहता है, और मेरे तो बहुत ही फेवरेट होते हैं ऐसे इवेंट्स स्कूल में, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इन इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए बीइंग अ पेरेंट, और मिस नहीं करना चाहिए ऐसे इवेंट्स को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज के किंग गार्डन के बच्चों ने भी बहुत ही इन्जॉय किया हुआ था और मेहनत की हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना ये शॉपिंग भी मैं आपको दिखा दूँ, कि यहाँ पे पूरा यूएई इस तरह का हुआ हुआ है कि बस ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लैक जो है वो बस सिर्फ आपको यही एक्सेसरीज मिल रही हैं, क्या हेयर एक्सेसरीज हों, क्या डिकोर हो, और क्या ही वेरेबल्स हों। तो ये भी मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक कंप्लीट जो है वो कवरेज में दिखाऊं अपने इस वीडियो में। तो ये डिस्काउंट सेंटर पे हम लोग गए हुए थे, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें बहुत ही खूबसूरत मिल रही थी। तो आपको पता है कि बच्चों को जो है वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सेलिब्रेशन डे है तो टीचर के लिए भी चाहिए, तो फिर अपने लिए भी चाहिए, तो फ्रेंड्स के लिए भी चाहिए। तो ये बहुत ही आप गिफ्ट आइटम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही वैरायटी जो है वो कलरफुल सी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट था। तो यहाँ पे पेट्रियोटिज्म जो है वो आप देख सकते हैं कि हर एक बंदे में यहाँ पे कितना है, और अपनी कंट्री के लिए कितना ये प्रमोट करते हैं, और अपनी कंट्री को कितना ये लव करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अब पार्टिसिपेट भी करें, और ऐसी चीज़ें इन्जॉय भी करें, और खुश हुआ करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत एंटरटेनिंग लगी होगी, और आपने इन्जॉय किया होगा, और आपने मतलब वही है कि इन्जॉय करना चाहिए पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और सबको। तो चलें जनाब, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।